ओके, लेट्स बिगिन। हम लोग क्या कर रहे थे, लेट मी चेक। ओके, अच्छे। ओके, वी डिफाइन टोपोलॉजी। फिर से मैं आपके लिए एक बार और रिकॉल करता हूँ। कि टोपोलॉजी क्या है। ओके, तो बाय डेफिनेशन व्हाट वी हैव अ सेट एक्स, एक्स इज अ सेट। ओके, एंड वी टेक अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नंबर वन, एम्प्टी सेट एंड एक्स बोथ आर इन टाउ, वी एंड एक्स बिलोंग टू टाउ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड थिंग, इफ यू हैव फाइनाइट, इफ यू टेक फाइनाइट एलिमेंट्स फ्रॉम टाउ, से यू वन टू यू एन इन टाउ, देन देयर इंटरसेक्शन will be in tau. Third thing, if you take a arbitrary collection in tau, so take U alpha, this is an arbitrary collection. So arbitrary means it need not be finite, it need not be countable, it could be uncountable as well. Okay, so take this, where these U alpha are in tau, then union of U alpha, this is also in tau. We take this collection which satisfies these three properties, we call tau a topology on X. Okay? Elements of tau are called open sets. Okay? And elements of X are called points of the topological space, open set of the topological space X tau. Okay? So today what we see, today we will see that why are we calling these open sets. Okay, so you have already seen this in last two lectures. So I started by recalling the properties of open sets in metric space. Open sets in metric space satisfies these three properties, correct? So now today, Yes, sir. what we will do is, we will see why we are calling them open sets. Okay. We talked about stronger and weaker topologies. So, correct. So for that, so can anyone recall the definition of open set in metric space? कोई रिकॉल कर सकता है कि क्या था डेफिनेशन ओपन सेट की मेट्रिक स्पेस में? हेलो, आप लोग चुप क्यों होते हैं, ये बताइए तो? क्या आप लोगों ने मैट्रिक्स स्पेस नहीं पढ़ा है? अनुराग, यस सर, क्या आपने मैट्रिक्स स्पेस नहीं पढ़ा है कभी? पढ़ा है सर, फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, तो ओपन सेट तो आप बीएससी से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ओपन सेट की डेफिनेशन नहीं मालूम?
let x t be a metric space of set u. Subset of x is called open if for every x naught is the element of x, there exists an open ball which is less than x naught. Less than means? Yeah, less than is which is the element of x naught. Sorry. आप कहीं से आप इसे कहीं से पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ के बता रहे, ईमानदारी से बताइए, आपके सामने yes, sir, पढ़ के बता रहे। अच्छा, तो इसको समझने के लिए बहुत मतलब आपको अपने को म्यूट कर लीजिए, मैं ये बहुत इजी सा है, आप लोग इसको रटिए मत, इसको समझिए, इसको समझ देखिए। एक मैं ये मान लो मेरे पास ये x था, ओके, ये u है, सो x d बी ए मेट्रिक स्पेस एंड u बी ए सबसेट ऑफ x, ओके, दिस u इज कॉल्ड ओपन, u इज ओपन। अब ये ओपन कब होगा इसके बारे में बात करते हैं। आप u का कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, यहां पर अब छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, यहां पर कॉल इट x नॉट, इफ फॉर ईच x नॉट मींस ये सभी u के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। इन u हमको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, अभी हमें एक छोटी सी बॉल मिलेगी, इसके अराउंड ये बॉल मिलेगी, ठीक है, there exists an open ball. अभी आप पूछेंगे कि open ball क्या होती है, अभी वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। open ball b r x naught, ये b r x naught क्या है, इसकी definition यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, b r x naught is a ball centered at the point x naught and of radius small r. Okay, इसको कैसे लिखेंगे हम, so this ball is set of all points of x such that, so आप जानते हैं ball क्या होता है, ball का एक center होता है, okay, center से उसके हर एक point की दूरी, अगर वो ball में वो disc तरह का है, ball तरह का है, तो बॉल के हर एक पॉइंट की जो दूरी है सेंटर से वो आर से कम होगी। अगर आर होती तो उसको हम एग्जैक्टली आर होती तो उसे हम सर्कल कहते हैं, ओके, ये पॉइंट एक्स नॉट था, अगर ये मान लीजिए कि ये सर्कल है, तो अगर हम केवल आर डिस्टेंस के पॉइंट्स ले रहे हैं तो इसे हम सर्कल कहेंगे, बॉल में हम इसके अंदर के सारे पॉइंट ले लें, ठीक है, सो डी मींस डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट, ये एक्स नॉट सेंटर है, इज लेस देन आर, ये डेफिनेशन होगी बॉल की, ठीक है, तो इसमें कुछ याद रख मींस आपको रखना नहीं है, इसको आप समझ जाएंगे तो वो सबसे इजी है। बॉल सर, कोई मुझे बता सकता है सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? हेलो अंकुश, यस सर, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर सर्कल इज अ क्लोज पाथ ऑफ अ कांस्टेंट व्हिच हैज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर समथिंग, हाँ मींस, तो सर्कल में सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, सो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, ओके, एंड दिस पॉइंट मूव्स अराउंड दिस पॉइंट हैविंग विद सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट, ओके, इट रिमेंस एट सेम डिस्टेंस, ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। नाउ अगर मैं इसको सर्कल कहता मान लो कॉल इट दिस, देन दिस केस इट वुड बी दिस थिंग, ओके, व्हिच इज नथिंग बट
बाउंड्री ऑफ दिस बॉल, ओके, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं इसके अंदर वाले पार्ट में, तो मैंने यहाँ लेस देन किया, और क्योंकि ये ओपन है तो मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, करेक्ट? एनी डाउट? तो आपको ये डेफिनेशन से चलेंगे, इंट्यूटिव वे में चलेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ओके? एनी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस यू के लिए आपने एक पॉइंट लिया था, उसके अराउंड एक बॉल मिली जो कि यू के अंदर है, तो वही लिखना है, इफ फॉर ईच एक्स नॉट इन यू देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी आर एक्स नॉट सच दैट बी आर एक्स नॉट सो दिस कंटेन दिस पॉइंट एंड कंटेन्ड इन यू. कौन बोल रहे? अनुज कुमार बोल रहे हैं क्या आपको? साक्षी, हेलो, माइक ओपन होने की वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है. ऑफ क्यों नहीं करते हैं? साक्षी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, अनुज आप भी म्यूट कर लीजिए. सर म्यूट को फिट कर दीजिए. क्या म्यूट है मेरी तरफ से? ओके, ठीक है. सो नाउ टुडे अब हम देखते हैं ये जो बॉल थी, जो ओपन बॉल, ओके, ओपन सेट को डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ी थी किसकी? ओपन बॉल की. दीज आर बेसिक ओपन सेट्स, ओके, दीज आर बेसिक ओपन सेट्स. सो एंड वी ऑल्सो नो ए रिजल्ट. क्या रिजल्ट था? इन मेट्रिक स्पेस एवरी ओपन सेट इन ए मेट्रिक स्पेस XT is union of open balls. Okay, these open balls are building blocks of open sets. Okay, इनकी मदद से आप क्या बना रहे हैं? Open sets बना रहे हैं. अभी हम लोग ये जो बेसिक ओपन सेट जिसे ओपन बॉल हम कह रहे हैं, इनका काउंटर पार्ट ढूंढते हैं, इनके काउंटर पार्ट डिफाइन करते हैं टोपोलॉजी. ओके, अगर आपको याद हो हमने टोपोलॉजी डिफाइन करी है कि अगर कोई ओपन सेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हैं, तो उनके यूनियन भी वहां पर होंगे. ठीक है, अब फिर से हम मेट्रिक स्पेस में आते हैं. ये क्या हो गई? मेट्रिक स्पेस में आते हैं, यहां पर आपको हर एक ओपन सेट पता करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ओपन बॉल पता कर पाए और वहां से आप हर एक ओपन सेट को पता कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सेट्स यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है. तो क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में तो बहुत सारे ओपन सेट्स हो सकते हैं जिनको हैंडल करना आसान नहीं होगा, तो हम ये जो कॉन्सेप्ट ओपन बॉल का था इसको टोपोलॉजी में भी डिफाइन करते हैं. ओके, और उनको यहाँ पर ओपन बॉल नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे उनको बेसिस कहेंगे. ओके, वी कॉल देम बेसिस. बेस और समटाइम इट इज कॉल्ड बेसिस. तो आपको दोनों वर्ड मिल जाएंगे अलग अलग बुक में, कोई बेस कहेगा कोई बेसिस कहेगा. तो हम ओपन सेट्स में डील करने के बजाय हम बेसिस पे डील करेंगे, करेक्ट? तो
हमने बोला था कि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ओपन सेट्स कह रहे हैं, ठीक है? ओके, इज इट करेक्ट और नॉट? हेलो, यस सर। हाँ, हमने उनको ओपन सेट्स बोला था। अब आप ध्यान दीजिए, वो जो ओपन सेट्स थे वो ओपन, अब मैट्रिक्स स्पेस में चलिए, जो ओपन सेट्स थे वो ओपन बॉल्स के यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। तो यहाँ भी हम बेस को ऐसे डिफाइन करेंगे कि बेस वो एलिमेंट्स हैं टोपोलॉजी के जिनके यूनियंस ओपन सेट्स हैं। ओके, सो लेट अस डिफाइन दिस। एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस सो this base, this base will be a subcollection of tau, means it is a subset of tau, we call the a subfamily or a subcollection or a subset. Okay, a subfamily B of tau. This means this B is a subset of tau. Okay, is said to be a base for tau if any member of tau, any member means if you choose a member, it will be. So any means हर एक member के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और you can replace it by every member of tau can be expressed as a union of some members of this subfamily B. Okay, now let me ask you, can you give me a base in usual topology of R? Okay, आपको मैंने बताया था R एक आर में एक यूजुअल टोपोलॉजी होती है जो कि आर के मीट्रिक जो यूक्लिडियन मीट्रिक से आता है उस टोपोलॉजी को हम यूक्लिडियन टोपोलॉजी कहते हैं, याद है आपको? हेलो, 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 हाँ, कोई मुझे बता सकता है आर विद R tau, where tau is the usual topology, usual or standard, दोनों का दोनों नाम, इसके दो नाम है, usual या standard topology. So find a base, okay? Find a base. Find a base for tau. कोई बता सकता है क्या होंगे? अच्छा, रियल लाइन में ओपन सेट्स कैसे होते हैं? What are ओपन इंटरवल होते हैं? All open sets in R. In R, In okay, मैं मैट्रिक स्पेस R कहता हूँ, okay? और let me call in the Euclidean space R, okay? किसी ने बोला ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है? ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो हर एक ओपन सेट ओपन इंटरवल हो ऐसी जरूरी नहीं है।
For example, take this set 0 to 1 and say 2 to 3. Okay? Take 0, 1 union 2, 3. This is an open set, but it is not an not an interval. ये एक इंटरवल नहीं है ये सेट, बट दिस इज एन ओपन सेट. डू यू सी दिस? इसको समझ पा रहे ये इंटरवल क्यों नहीं है? हेलो, ये इंटरवल नहीं है ना. अगर अगर ये इंटरवल होता तो ये जीरो और थ्री के बीच के सारे पॉइंट इस सेट में होते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वन और टू के बीच के पॉइंट नहीं है वहां पर, है ना. बट दिस इज एन ओपन सेट. सो कैन यू गैस व्हाट आर, सो व्हाट इज द बेस फॉर, व्हाट इज द बेस फॉर आर? क्या हो सकता है बेस? फिर से डेफिनेशन देखिए क्या है. एक्स टाओ टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक सब फैमिली बी ऑफ टाओ. तो हम ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लिया था उसमें से और एक छोटा कलेक्शन ले रहे हैं, इसको हम बेस कह रहे हैं. अगर कोई भी मेंबर जो टाओ का है वो यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी के फॉर्म में लिखा जा सके तो बी को हम बेस कहेंगे. अब आप जानते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं. ओपन सेट्स किस फॉर्म के हैं? ओपन सेट्स हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. ओके, ओपन सेट्स इन यूजुअल टोपोलॉजी आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. इज इट ट्रू और नॉट? हेलो, यस. तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, बेस क्या मिलेगा? अभी तो मालूम हो गया ना. हाँ, बेस क्या होगा? फिर से देखिए, मैं यहां पर चीज लिख रहा हूं फिर डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है. ओपन सेट्स इन द यूजुअल टोपोलॉजी of usual topology on R in the usual topological space, let me call topological space R tau and let's call an open set is union of open intervals. Okay, ये statement पढ़ो, इसको समझो थोड़ा सा. पढ़ा आपने? मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं. Okay, अब आप definition पढ़ो. ये डेफिनेशन यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होगा बेस. हाँ, बेस क्या होगा? यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. क्या क्या क्या, फिर से बोलिए. हाँ, सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल. Set up all open intervals. Okay, so all open intervals or set up all open intervals. So this means, आपका नाम क्या है? Hello. Sir Priya. Set up all open intervals
ओके फॉर्म्स अ बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी. ओके ये आप बात समझ गए अभी करेक्ट. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ओपन सेट को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन हम देखेंगे कि केवल यही एक बेस नहीं है, इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं. इस बेस को हम और छोटा भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी. ठीक है, अभी हम कुछ रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में. इसको और छोटा किया जा सकता है. इसमें सारे के सारे ओपन इंटरवल लेंगे तो वो कलेक्शन भी बहुत बड़ा कलेक्शन है, हम उसको और छोटा कर सकते हैं. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है मीट्रिक स्पेस में बेस क्या होगा. अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, आप जानते हैं एक्स डी एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी बन जाता है. ठीक है करेक्ट. तो आप ये बताइए, अगर मैं ये टोपोलॉजिकल स्पेस लूं जो कि एक मीट्रिक स्पेस से बन रहा है, ठीक है, उसके लिए बेस क्या होगा. इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिलेगा. यस सर, सेट ऑफ ऑल ओपन बॉल्स, सेट ऑफ ऑल ओपन बॉल्स. ठीक है, ओके, लेट मी राइट दिस इन अ मीट्रिक स्पेस XD, every open set can be written as a union of open balls. Okay, therefore, the family or the set of all open balls is a base for the topology. Induced by the matrix, okay? अब सिंपल सी बात, अब दूसरी बात करते हैं. आपने अब मीट्रिक स्पेस पढ़ा, ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस पढ़ लिया. आपने डिस्क्रीट मीट्रिक पढ़ी, याद है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्पेस पढ़ा था, याद आ रहा है. तो डिस्क्रीट स्पेस में, डिस्क्रीट स्पेस में बेस क्या होगा. बेस, ओके, फाइंड अ बेस फॉर द टोपोलॉजी ऑफ डिस्क्रीट स्पेस फॉर द डिस्क्रीट फॉर अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस. क्या होगा ये, अच्छा इसको 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 आपने लास्ट टाइम देखा था ना, ये डिस्क्रीट स्पेस को हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स से भी आ रहे थे, हम याद है आपको. डिस्क्रीट स्पेस हम डिस्क्रीट मैट्रिक की मदद से बना पा रहे थे. अभी हमने ऊपर कुछ लिखा मैट्रिक स्पेस के लिए, एक स्टेटमेंट लिखा है, बेस फॉर द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक इज द फैमिली ऑफ ऑल ओपन बॉल्स. अब आप यहां से पता कर सकते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक में ओपन बॉल्स क्या होती हैं. आपको याद है उस दिन हमने ये किया है, लास्ट टाइम में हमने किया है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक में ओपन बॉल्स क्या होती हैं. हाँ सही, किसने कुछ ठीक बोला, मुझे लग रहा है
रिपीट करो प्लीज सर. सिंगलटन सेट. हाँ सिंगलटन. यहाँ पर सेट ऑफ, यहाँ पर वो जो सबसेट है, जो सब कलेक्शन है सिंगलटन का, ओके, डिस्क्रीट स्पेस में वो बेस बनाएगा. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीजें देखो बहुत आसान सी हैं, बस आपको ध्यान देना है. ये सब्जेक्ट वो कैलकुलेशन वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, आपको ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है समझो. ठीक है, तो इसको ऐसे हम ऐसे ही धीरे धीरे करते रहेंगे, और आगे जाके मेरे को फिर थोड़ा तेज होना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिलेबस भी खत्म करना होता है, और मैं जानता हूँ अभी हमें थोड़ा टाइम तो इसमें लगाना पड़ेगा. तो हम शुरुआत धीमी करते हैं. आप जब कोई लंबी रेस दौड़ रहे होते हैं तो शुरुआत धीमी करनी चाहिए, फिर बीच में कभी तेज दौड़ेंगे. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए. सो यहाँ एक्सरसाइज है, आप इसके बारे में सोचिए, और ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है. फाइंड बेस फॉर द ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्पेस, फॉर अ ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, फॉर अ ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब कि इनडिस्क्रीट उसे टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके फाइन, तो आप जानते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर ऑल ओपन सेट्स इन द इनडिस्क्रीट स्पेस? सर फाई एंड एक्स इटसेल्फ. हाँ, तो अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए वहां पर, बेस क्या होगा? ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स. नहीं 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 नहीं, वो देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स तो है ही, टाउ का एलिमेंट नहीं है ना वो. तो अगर यस सर, यस सर, सॉरी, जो बेस होगा वो टाउ का सबसेट होगा. अब टाउ के कितने सबसेट बनेंगे आप जानते हैं, बना लीजिए वहां से, है ना. टाउ में कितने एलिमेंट हैं? दो, एम्प्टी सेट और एक्स, उसके कितने सबसेट होंगे? दो. उसमें से एक जो उसमें से एक कलेक्शन जो है वो जितने भी है उनमें से एक कलेक्शन जो है वो क्या होगा, क्या कहा आपने, टाउ के कितने सबसेट होंगे? दो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे. उसमें दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट चार होंगे कितने? हाँ, तो ठीक है, एम्प्टी को आप हटा दो, एम्प्टी सबसेट तो एम्प्टी सब कलेक्शन तो होगा नहीं, ये तो आप जानते हैं. ठीक है, अब कौन सा बचेगा और कौन सा रहेगा उसके बारे में आप बात करिए. उसमें से भी इजी है, ये आप सोचिए इस बारे में. ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, जो मींस हैं, यहाँ पर सुभाष आए हैं. Yes, सुभाष, जो आप कल क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या वो कंप्लीट हुआ आपसे? Yes, sir. सुभाष तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं. सुभाष आप किस नाम से यहाँ पर है? HTTP करके जो है वो. अच्छा, वो आप है सुभाष. अच्छा, सुभाष का एक क्वेश्चन था कि यूनियन ऑफ रेज, रेज क्यों होगा? उन्होंने लिख दिया वो रे होंगे, बट ऐसा क्यों है? ठीक है, यूनियन ऑफ रेज इन आर मींस रे, मींस यहाँ पर रे का अपना मतलब है कि इस फॉर्म के सेट, ऐसे सेट का यूनियन फिर से एक रे होगा, ऐसा क्यों? वो होगा, वो जानता हूँ मैं, होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसका आंसर देना है. ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ रेज, इंटरसेक्शन ऑफ 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 फाइनाइट रेज, ओके, वो भी एक रे होगा,
अब मैं इसको अनकाउंट इसको इनफाइनाइट नहीं कर सकता, वहां पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में आप केवल लिख देने से काम नहीं होगा, उसका प्रूफ भी साथ में चाहिए, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए। ओके, नाउ लेट अस रिकॉल अ फ्यू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल्स। अभी आपने कहा कि ये बेस जो है आर में वो इंटरवल्स है। अब इंटरवल की कुछ प्रॉपर्टी होती है रियल लाइन में, क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एलिमेंट के लिए एक्स नॉट के किसी भी एलिमेंट के लिए आपको एक इंटरवल हमेशा मिलता है जो एक्स नॉट को कंटेन करे। ऐसा तो हमेशा एक इंटरवल या कोई भी दूसरा पॉइंट आप मेरे को दो, मान लो मैं 10 हूं, 10 इन आर, देन देयर इज एन इंटरवल 9, 12, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे मुझे, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि कोई दो ओपन इंटरवल अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एक ओपन इंटरवल है, इसको मैं बनाता ऐसे, ये एक ओपन इंटरवल है और एक दूसरा ओपन इंटरवल है जो इससे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में ये वाला ओपन इंटरवल मिलता है, कौन सा, ये और ये ओपन इंटरवल, फिर से एक ओपन इंटरवल मिला, ठीक। ये प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती ओपन इंटरवल की आर में, इज इट करेक्ट, सिमिलर प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल की भी होती है। मान लो हम आर टू में हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसके अराउंड एक ओपन बॉल जरूर मिलेगी कुछ रेडियस का, और अगर हमारे पास दो ओपन बॉल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब इनके इंटरसेक्शन के बीच में एक और ओपन बॉल मिल जाएगी मुझे, ठीक है। जैसे यहां पर ये इनके बीच में कुछ और छोटा भी मिल सकता है, तो यहां भी ऐसा हो। ओके, तो ये जो हमने बेस की डेफिनेशन दी है क्या ये जो बेस की डेफिनेशन है ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो फॉर दिस वी प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। ओके, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and B be a collection of subsets of X, okay? Then B is a base for tau if and only if, तो ये इसका मतलब ये वाला पार्ट है, दिस इंप्लाइज दिस एंड वाइस वर्सा, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी एक्स इन एक्स एंड एनी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, there exists an element in this base B such that X in B and B contained in. तो अब यहां से आप देखेंगे ये open ball की जो definition आप पढ़ते थे कहां पर, sorry open set की definition पढ़ते थे जो
मेट्रिक स्पेस में वो हो रहा है, देखो अगर जी ओपन होता तो उसके लिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट के लिए एक आपको ओपन बॉल मिलती है जो एक्स को कंटेन करती है और वो बॉल पूरी की पूरी जी के अंदर होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? ओके, इज इट करेक्ट? तो ये एक कारण है हम टाउ के एलिमेंट्स को ओपन सेट कहते हैं। ओके ओके, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है? रिपीट कर दीजिए। हाँ, आप इस प्रपोजिशन को पहले पढ़िए, इसको पहले पढ़िए। अरे भैया इसको पहले पढ़िए, आप समझिए। और इस प्रपोजिशन को ध्यान से देखने के बाद इसको कंपेयर कीजिए जो डेफिनेशन ओपन सेट्स की आपने मैट्रिक स्पेस के संदर्भ में पढ़ी है। ठीक है, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं? यस सर। तो मैं आपको कुछ बीच में बोलता हूं तो आप उसको रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? आप एक दूसरे को वेट मत करिए, कोई भी एक बोल दीजिएगा कि ठीक है अभी हम इसको देखेंगे, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं ना उसके बाद। तो मैंने कहा आप इस प्रपोजिशन को देखिए, इसको समझिए और इसको कंपेयर कीजिए वो डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट जो आपने मैट्रिक स्पेस में पढ़ी है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में आपने इन बेस को, जो भी ये बी के एलिमेंट है, इनको आपने ओपन बॉल कहा था। तो ये जो बी है ये एक ओपन बॉल होगा उस कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? मैट्रिक स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो ओपन सेट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ ये जो जी है वो टाउ का एलिमेंट है। ओके, हम ये पहले एग्रीमेंट कर चुके हैं कि टाउ के एलिमेंट्स को हम ओपन सेट कहेंगे। तो इस डेफिनेशन को देखने के बाद आपको एक बात का आंसर मिलेगा कि हम टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को ओपन सेट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ बहुत इजी है। सपोज दिस बी इज अ बेस, सपोज दिस फनी बी इज अ बेस फॉर टाउ। अब ये बेस है तो इसका मतलब टाउ में जो भी एलिमेंट है, या फिर मैं कहूँ जो भी ओपन सेट्स हैं, वो बी के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। करेक्ट है या नहीं? हाँ, अब हमें प्रूफ ये करना, हमने ये माना है और ये वाला पार्ट, ये जो बॉक्स में है, ग्रीन बॉक्स में, इसको हमने प्रूफ करना है। ओके, लेट एक्स इन एक्स एंड लेट जी कंटेन एक्स एंड इट इज एन ओपन सेट। सो दिस बी गिवन, ये हमको दिया हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, फॉर एनी एक्स एंड एनी ओपन सेट जी विच कंटेन्स एक्स। तो ये ओपन सेट को मैंने लिख दिया जी बिलोंग्स टू टाउ, दोनों का मीनिंग सेम। अब मुझे ये निकालना है। ओके, तो अब मुझे इस x के लिए एक b चाहिए जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। इज इट क्लियर और नॉट? जो हम करना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर है? बिकॉज दिस b वाज अ बेस
and G was an open set, this G can be written as a union of some members of B. So हम उसे B I लिख देते हैं. I कोई भी indexing set, okay? Where this B I belongs to B. Okay? These BIs are elements of this funny B, which is base. अब क्योंकि ये जो X है वो किसका एलिमेंट था? G का. और G है यूनियन ऑफ BI. तो इसका मतलब वो जो X है किसी न किसी BI में बैठा होगा. ओके, सिंस X इन G, there exists some J in this indexing set such that X belongs to BJ. Okay? तो ये जो रो B ये वाला है, इस B को आप BJ बोल दीजिए. ठीक है? We take this BJ as the set B. Required in the assertion. एंड वी आर, एक पार्ट को हो गया. इजी था ये पार्ट. कन्वर्स वाला पार्ट देखते. कन्वर्सली अभी हमें ये गिवन है, फॉर एनी एक्स इन एक्स एनी ओपन सेट जी देयर एग्जिस्ट अ बी फ्रॉम बी सच दैट दिस हो. तो हमें प्रूव करना कि बी एक बेस होगा, कि ये फनी भी एक बेस होगा. ठीक है? सो वो वाला पार्ट भी जी. ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आर्बिट्री एक ओपन सेट उठाते हैं टाउ से, एक मींस एक एलिमेंट टाउ का उठाते हैं जिसे हम ओपन सेट कहते हैं, और हम दिखाएंगे उसको हम यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फनी भी लिख सकते हैं. ठीक है? और उससे पहले एक बात हमें ये प्रूव करनी होगी कि ये जो B है ये सबसेट होगा टाउ का, एक सब फैमिली होगी टाउ. ओके, देखते हैं कैसे सब फैमिली है. क्योंकि कोई भी B आप इस B से उठाते हैं और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. कौन सा स्टेटमेंट? वाला स्टेटमेंट. यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर एनी एक्स इन एक्स एनी ओपन सेट इज बी इन बी सच दैट एक्स इन बी एंड बी कंटेन्ड इन जी. ओके, आपने एक एलिमेंट उठाया बी और फिर वो स्टेटमेंट जो भी आपको दिया था उसकी मदद से आपने लिखा फॉर एवरी एक्स इन बी. अब फॉर एवरी एक्स इन बी व्हाट वी हैव इज बी इज कंटेन्ड इन बी. ये बी खुद का सबसेट होता है. तो व्हाट इज दिस बी इज इन टाउ. सो दिस इंप्लाइज बी कंटेन्ड इन टाउ. ये पार्ट तो इजी है. अब दूसरा पार्ट है कि कोई भी एक ओपन सेट टाउ से उठाते हैं, आर्बिट्री ओपन सेट, इसको हमें लिखना है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फनी बी. ओके, सो फॉर ईच एक्स इन एच दे एग्जिस्ट बी एक्स in B such that X in BX and BX contained in H. ये कहां से आया? ये आया इस स्टेटमेंट. देखो हमें ये स्टेटमेंट ट्रू है. For any X in X and any open set G, we have this thing. तो ये स्टेटमेंट से हमको
ये मिला इस h के बारे में. Now you know this. So since for x we get a bx, तो हम कोई दूसरे element y लेंगे, उसके लिए हमें by मिलेगा जो कि h में contain होगा. अब मान लो मेरे पास ये h था, इसके लिए एक bx मिला, इसके लिए एक by मिला, यहाँ पर तो दूसरा मिला, ठीक है, सबके लिए एक मिल रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, इन सब का यूनियन ले लेता हूँ. जितने भी एच के एलिमेंट हैं, ये जितने भी एच के एलिमेंट हैं, उन सब के लिए इस एक्स के लिए एक बी एक्स मिलेगा. यहाँ पर बी एक्स मिला, ये अगर वाई है तो यहाँ पर वाई मिला, यहाँ पर कोई और जीटा है तो यहाँ पर बी जीटा मिला, ठीक है, इसके अंदर भी कोई और मिला, सबके पास सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा. तो आप उन सबका यूनियन ले लीजिए, क्योंकि ये जो बी एक्स थे वो सारे के सारे एच के अंदर है, तो ये यूनियन भी एच के अंदर. एंड सिंस इट वेरीज, दिस यूनियन वेरीज ओवर ऑल एक्स इन एच, दिस इज इक्वल टू एच. ओके, तो आपको क्या मिला है, अभी हमने एच को यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिख दिया, एलिमेंट्स ऑफ फनी बी. ओके, दिस मीन्स एवरी मेंबर ऑफ टाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन. सो एज एन आर्बिट्री यूनियन, वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ यूनियन इट, बट इट इज आर्बिट्री, एज एन आर्बिट्री. Union of members of funny B. So this means this implies B is a base, and we are done. तो आपने एक चीज की कि हर एक जो यहां पर था, पहली बात, हर एक एक्स के लिए आपको एक बी मिल रहा है. अब हम कल देखेंगे कि इंटरसेक्शन वाला, ये वाली बात हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे कि अगर दो बेस हैं वो आपस में, सो हमारे पास दो बेस हैं बी वन और बी टू, उनके इंटरसेक्शन के अंदर एक तीसरा बेस होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ओके, मुझे कल मैं एक काम करूंगा, कल मैं ऐसे ऑनलाइन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा ये डिवाइस जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको मैं आज ठीक कराने के लिए दे रहा हूं. तो कल मैं नोट्स आपको भेजूंगा, उसमें कुछ आपको लगे प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे बाकी क्लासेज होती कल मैं वैसे लूँगा. जो कल की जो क्लास होगी उसको मैं परसों ले लूंगा, ठीक है, जो इंटरेक्शन वाला है, ऐसे जो है. कोई दिक्कत किसी को? हेलो, हेलो, कोई बोलिए, जिनको आवाज मेरी क्लियर आई थी वो बोलिए. मैं कह रहा हूँ कि कल मैं हाँ, और अगर किसी को कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि हमको एक इंटरेक्शन वाली क्लास चाहिए, तो हम उसको सैटरडे को रख सकते हैं, ठीक है, सैटरडे या संडे, जब भी आपको मन करे. ओके सर. सर संडे मत रखिएगा. अच्छा, सैटरडे रख लेंगे. तो कल क्लास होगी, लेकिन वो वैसी होगी जो मैं आपको नोट भेजूंगा, आप उसमें से, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है आपको उसमें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है, मींस वो मैसेज के थ्रू होगा, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू. ओके सर, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा. चलो मैं वो ट्राई करूंगा, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. और मैं फिर सैटरडे को एक इंटरेक्शन वाला क्लास लगाऊंगा. ओके.
सो और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो हेलो सर, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है? और इसमें सर एक जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, हाँ इनडिस्क्रीट में क्या है बताइए सर। इसमें इससे पहले पहले वाले लेक्चर में आपने एक सेट लिए थे कि x बराबर, उसमें एलिमेंट थे, तीन एलिमेंट थे ए बी सी। हाँ तो सर इसमें एक आप टोपोलॉजी टाउन इसमें लिखे हैं, एक जो टोपोलॉजी है फाई और x लिए हैं, मतलब कंप्लीट सेट लिए हैं, और इस वाले को आप रिमार्क में यहाँ कह रहे हैं कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो सर ये हमको हाँ, यही समझ में, ये सर किस बेस पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है? इसका नाम है, जैसे आपका नाम पंचशील किस बेस पे बताइए? जैसे सर इसमें आप केवल यही एक फाई लिए एलिमेंट और इसका पूरा सेट ले लिए हैं। हाँ जहाँ भी आपको दिखेगा कोई भी सेट लीजिए एक्स, अब यहाँ पर ए बी सी की जगह आप कोई भी ले लीजिए, आर ले लीजिए, पूरा रियल नंबर ले लीजिए, और एक टोपोलॉजी बनाइए जिसमें एक एम्प्टी सेट हो और पूरा का पूरा आर हो, ठीक है? केवल दो ही है, यहाँ पर केवल दो ही ओपन सेट है, एक एम्प्टी सेट है और पूरा का पूरा होल सेट है। ऐसे टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो सर अगर हम, ठीक है सर, लेकिन अगर हम फाई लें और इसका इस सेट का हर एक इसका सबसेट लें और इसका एक टोपोलॉजी बनाए, तो सर क्या ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कह सकते हैं इसको? जहां पर आप एम्प्टी सेट और सारे के सारे सबसेट ले लेते हैं उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। वो भी तो लिखा है नीचे, वो देखिए उसको, उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं जहाँ पर सारे के सारे सबसेट होते हैं। वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है? इनडिस्क्रीट सबसे छोटा होगा, ठीक? ठीक तो सबसे बड़ा कलेक्शन है उसको हम डिस्क्रीट नाम दे रहे हैं, जो सबसे छोटा है उसको हम इनडिस्क्रीट दे रहे हैं। इसका नाम डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट क्यों दे रहे हैं इसको भी हम आगे आने वाले क्लासेज में देखेंगे। देखो डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, आप जानते हैं डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? एक सेट डिस्क्रीट कब होता है? आपने ये उसमें पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, फिर उसके बाद मैट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स का सेट रियल नंबर में डिस्क्रीट सेट है, क्यों? आपने आइसोलेटेड पॉइंट्स पढ़े हैं? यस। ओके कोई बात नहीं। हाँ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते बताइए? आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है? अकेला अकेला है ना? यस अकेला मतलब कि उसके आसपास कोई नहीं है। तो ऐसे पॉइंट जो किसी नेबर किसी सेट को हम आइसोलेटेड सेट कहते हैं, जब उसके पॉइंट्स के अराउंड कोई आप ओपन सेट बनाए, उसको ऐसा कम से कम एक ओपन सेट जरूर मिले जहां पर केवल एक ही पॉइंट है। जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर में नेचुरल नंबर के सेट में आप वन के अराउंड एक आधा रेडियस का आप ओपन इंटरवल बनाए, उसमें केवल वन ही होगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होगा नेचुरल नंबर का। ऐसे टू के अराउंड एक आधे रेडियस का इंटरवल बनाइए, उसमें टू के अलावा कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं होगा, बाकी रियल नंबर्स होंगे लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर रियल में आइसोलेटेड है, ठीक है? ऐसे सेट को जो आइसोलेटेड है उन्हें डिस्क्रीट कहते हैं, जिनके पॉइंट आइसोलेटेड हैं उनको डिस्क्रीट सेट कहते हैं। ओके अब आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी में देखेंगे कि वो जो पॉइंट हैं वो आइसोलेटेड है। अब वो कैसे है ये आप खुद सोचिए इसको। आप जब दो एक मीन्स एक या दो दिन सोचने के बाद आपको नहीं मालूम पड़ता फिर मुझसे पूछिए, ठीक है? पहले खुद सोचिए वो उसको आइसोलेट उसको डिस्क्रीट क्यों कह रहे होंगे हम, ठीक है? तो आप थैंक यू सर, बुक्स की मदद ले सकते हैं। बस काम ये करिए पहले खुद सोचिए।
ठीक है? ठीक है सर, चलिए ओके। Thank you.